हिंदू कैसा मुसलमान, हम तो जाने बस सारा हिंदुस्तान। इन कुछ चंद लाइनों को, इन कुछ चंद पंक्तियों को अपने जीवन के व्यक्तित्व से हूबहू मेल मेल खिलाता एक व्यक्तित्व जिसका नाम है पीर अली खान। आज के वीडियो में हम इनके बारे में जानने वाले हैं। तो आजमगढ़ ज़िले में इनका जन्म होता है। 7 साल की उम्र में ये बंदा घर छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद फिर पटना पहुँचते हैं और पटना में यहाँ के एक लोकल जमींदार के साथ ये रहते हैं। उनके यहाँ ही इनका जो है बाकी का जो है समय बीतता है। उनके बेटे के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा भी होती है। एंड देन लाइफ वॉज गोइंग वेरी पीसफुली। बीच में ऐसा कुछ भी इनके लाइफ में हुआ नहीं। इन्होंने पटना में ही किताब की दुकान खोल ली। वहाँ प्रिंटेड और हस्तलिखित जो होती हैं वो सारी किताबें वो बेचते थे। और सौभाग्य की बात ये थी कि देखिए, डेस्टिनी जो है ना, उसे जहाँ ले जाना होता है वो आपको रास्ता दिखाई देती है। द सेम थिंग हैपन विद पीर अली खान एज वेल, कि जहाँ पे इनकी इनकी किताब की जो दुकान थी ना, वो पॉइंट जो है रिवोल्यूशनरीज का एक पॉइंट था। तो अब उस बुक शॉप का इस्तेमाल किया जाने लगा। वहाँ से जो है जितने भी क्रांतिकारी थे वो अक्सर जो है किताब खरीदने के बहाने, फिर ऐसी कुछ मीडियम्स के थ्रू वहाँ पहुँचते, अपने अपना जो है मीटिंग्स वगैरह करते, बातें होती थी। और इन सब से क्या हुआ कि धीरे धीरे पीर अली खान जो है वो भी इन सभी चीज़ों में इंडल्ज होते चले गए और काफ़ी एक्टिव मेंबर होते चले गए इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि पटना के जस्ट बगल में ही है दानापुर, और दानापुर में थी आर्मी की कैंटोनमेंट, जहाँ पे इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर सोल्जर्स भी थे। तो विद्रोह जो है, या फिर प्रोटेस्ट कहिए एक तरह, मतलब जो प्रोटेस्ट था उस वो करने की प्लानिंग तो हमेशा से चलती रह रही थी। अब इसमें जो है इनका भी योगदान शुरू हो चुका था। जो भी लेटर्स का आदान प्रदान होता था वो किताबों के माध्यम से जो है दानापुर कैंटोनमेंट तक जाता था। सारी किताबें जो है इनके दुकान से निकलती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक रिवोल्ट करने का, एक विद्रोह करने का प्लानिंग भी हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि दो लेटर जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ लग जाती हैं, और जिसमें इनका नाम जो है लिखा हुआ था। अब जो है पीर अली खान सबके दायरे में आ गए उसके बाद, एंड फिर ब्रिटिश फोर्सेस जो है इनके पीछे पड़ गई। अब मजबूरन इन्हें जो है, अब इनकी मजबूरी हो गई कि इन्होंने जो जो रिवोल्ट प्लान कर रखा था, जिसको कि आगे उन्हें फ्यूचर में करना था, उसे प्रीपोन करना पड़ा। और इन्होंने जो अपने रिवोल्ट जो है 3 जुलाई को शुरू करने का प्लान किया। टीपू सुल्तान के जैसे इन्होंने भी एक तरीके से कहो कि रिवोल्ट के लिए उन्होंने लाल और सफ़ेद झंडे का इस्तेमाल किया, और वहीं से शुरू होती है इनकी क्रांति। हालांकि बहुत लंबी क्रांति नहीं थी, लेकिन जानना जरूरी है ऐसे हीरोज़ के बारे में। तो 3 जुलाई के दिन जो है वो जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थी स्टेट गवर्नमेंट की गुलजार बाग में, उस पर हमला करने का प्लान करते हैं। 50 हथियार जो है ये इकट्ठा करते हैं। आर्म्स एंड एमिनेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट 50 हथियार और 200 समर्थकों के साथ ये निकलते हैं उस पर ऑफिस पे, गुलजार बाग ऑफिस पे हमला करने के लिए। बट डेस्टिनी को जो है उसे कुछ और मंजूर था। बीच रास्ते में जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है, जो कि अपने एक छोटे से ट्रूप के साथ, वो कहते हैं ना दौरे पे निकलना, तो उसके साथ वो डॉक्टर लायन करके उसका नाम था समथिंग, तो उसके साथ वो जो है वो अपना दौरे पे निकला हुआ था। तब तक इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। उसने फायरिंग का आदेश दिया, दोनों तरफ से लड़ाई होती है, वो ब्रिटिश ऑफिसर मारा जाता है। अब इस चलते क्या होता है कि जो चीज़ शांतिपूर्वक होने जा रहा था, अब हुड़दंग मच चुका था पूरे के पूरे शहर में। पटना का जो कमिश्नर है उसने आदेश दे दिया, और उसने बिना किसी वार्निंग के लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। दोनों तरफ से लड़ाई हुई, बट सच्चाई यही है कि ब्रिटिश फोर्सेस जो है इनके कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग थे, उनके पास सपोर्ट काफ़ी था। 50 हथियार के साथ आप कितने देर तक टिक सकते हो? हुआ वही, इनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स जो है इनके साथ, जो लोग जो रिवोल्यूशनरी थे, वो मारे गए। उसके बाद इनकी किताब की दुकान पे छापा मारा गया, और 4 जुलाई को ये जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इनके साथ साथ इनके 33 और साथी जो है अरेस्ट किए जाते हैं। तो बाकी जो 33 साथी थे उन पे तो बिना किसी मुकदमे के उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। बट इन्हें अगले 3 दिनों तक बेहद टॉर्चर किया गया। एक लिमिटेशन जो होती है वो सारे लिमिटेशंस पार कर दिए गए थे इनसे जानकारी निकालने के लिए। बट लुक एट दिस ब्रेव वर्ल्ड, इसने एक मतलब अपनी जवान तक नहीं खोली, एक छोटी इन्फॉर्मेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगी। बट फाइनली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इनसे अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, तो 7 जुलाई को 1857 को इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। तो ऐसी ऐसे कई सारे हमारे हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, बट जिनके जिनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम इंस्पायर होते रहें। और यही मेरा मकसद है, और इसलिए मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।